हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम करेंगे क्लास 11 की इंग्लिश की लेसन नंबर सेकंड की समरी। लेसन नंबर सेकंड है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये लेसन आपकी हॉर्नबिल बुक का लेसन नंबर सेकंड है। तो देखते हैं कि इस पर्टिकुलर लेसन में हमें क्या स्टोरी बता रखी है। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम करेज शोन बाय गॉर्डन कुक। देखो, ये जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम का मतलब होता है ग्रेट, या बहुत ही ज्यादा डिग्री में, या बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो करेज दिखाया गया है, मतलब साहस दिखाया गया है गॉर्डन कुक के द्वारा, कॉमा है हिज फैमिली, उसके परिवार के द्वारा, एंड क्रू मेंबर्स इन अ वॉर विद वॉटर एंड वेव्स फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब कि इस कहानी में गॉर्डन कुक के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा, और जो उसके साथ शिप पर और साथी थे, क्रू मेंबर्स थे, जो और दल था, उन्होंने किस प्रकार से एक जंग लड़ी है, एक वॉर लड़ी है, किसके साथ? पानी के साथ और लहरों के साथ, ताकि वो सरवाइव कर सके, ताकि वो जिंदा रह सके। मतलब अपने बचाव के लिए उन्होंने जो एक युद्ध लड़ा है उसके बारे में इस कहानी का जिक्र है। ठीक है, उसके बारे में इस कहानी में जिक्र है। तो इट हैज बीन रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। अब आपको इस लेसन के जो ऑथर हैं, उन ऑथर्स के नाम यहां पर प्रेजेंट किए गए हैं कि ये इनके द्वारा लिखी हुई है। अब हमें नरेटर यानी कि कहानी के बारे में जो बता रहे हैं हमें गॉर्डन कुक, वो क्या बताते हैं? गॉर्डन कुक एंड हिज फैमिली, मतलब गॉर्डन कुक ने भी ये स्टोरी लिखी है, तो इसलिए गॉर्डन कुक खुद ही नरेटर हैं इस कहानी के। और वो क्या बता रहे हैं? गॉर्डन कुक एंड हिज फैमिली सेट सेल फ्रॉम इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द वर्ल्ड वॉयज राउंड विच वॉज अर्लियर मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक, कॉमा है 200 ईयर्स अगो। अब देखो, इन लाइन्स का मतलब क्या है? इन लाइन्स का मतलब है कि इस कहानी में जो गॉर्डन कुक हैं और जो उनकी फैमिली थी, जो गॉर्डन कुक और उनकी फैमिली थी, उन्होंने इंग्लैंड से अपनी यात्रा शुरू की थी। सेल करना मतलब शिप के थ्रू एक्चुअली यात्रा करना, तो इसलिए उन्होंने शिप के थ्रू अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी वो कहां से स्टार्ट की थी? इंग्लैंड से स्टार्ट की थी। और वो क्या करना चाहते थे? वो वर्ल्ड वॉयज, वॉयज का मतलब होता है यात्रा, तो एक तरीके से वर्ल्ड टूर पर जाना चाहते थे वो, और डुप्लीकेट मतलब दोहराना चाहते थे वो इतिहास को, क्योंकि उनसे पहले ये अर्लियर पहले किसने किया था? ये कैप्टन जेम्स कुक ने किया था 200 साल पहले, तो वो भी अब यही हिस्ट्री रिपीट करना चाहते थे। मतलब वो भी एक तरीके से विश्व यात्रा करना चाहते थे। तो दे टुक देयर प्रोफेशनली बिल्ट शिप, उन्होंने जो पेशेवर उनकी शिप, जहाज उनका बनाया हुआ था, जिसमें सभी यंत्र पूरे थे, सभी मतलब फैसिलिटीज पूरी थी, रहने के लिए भी, खाने पीने के लिए भी, आराम करने के लिए भी सब प्रबंध थे, ऐसी शिप उन्होंने अपनी तैयार की। और उस शिप का नाम देखिए आपको क्या बता रखा है, शिप का नाम आपको बता रखा है वेव वॉकर। अब याद रखना ये शिप का नाम है, दैट मीन्स ये एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए शिप के नाम के लिए जो W है वो कैपिटल आएगा। तो दी प्रोफेशनली बिल्ट शिप को लेकर उन्होंने अलोंग विद टू एक्सपीरियंस्ड सेलर, दो और सेलर्स थे, मतलब जो समुद्री यात्रा करते हैं वो समुद्री दल के दो और लोग थे जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड थे, मतलब उनके पास अनुभव बहुत ही ज्यादा था। अनुभवी लोगों को भी उन्होंने, दो अनुभवी लोगों को भी उन्होंने साथ में लिया। उनके नाम क्या थे? एक का नाम था लैरी विजाइल एंड दूसरे का नाम था हर्ब सिगलर। अब देखिए, अब आपको स्टोरी में आगे क्या बता रखा है, आपको स्टोरी में आगे फर्दर बता रखा है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी अप टू केप टाउन वॉज वेरी प्लेजेंट। प्लेजेंट का मतलब होता है सुखदाई होना या आरामदायक होना। तो यहां पर है कि जो पहला पार्ट है उनकी यात्रा का, उनकी जर्नी का, जो कि केप टाउन तक का था, ये एक जगह का नाम है, इसीलिए इसको भी कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है, मतलब फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखा गया है, वो बहुत ही आरामदायक था। आफ्टर दैट दे
बिगैन टू फेस स्ट्रांग विंड्स. तो जैसे ही वो केप टाउन से बाहर निकले थे, जाना उन्होंने शुरू किया था वहां से, उन्हें तेज हवाओं का सामना करना पड़ा था. बट इट डिड नॉट वरी द नरेटर. लेकिन इनसे जो नरेटर थे, मतलब जो कुक थे हमारे, जिनका नाम फुल नेम गॉर्डन कुक है, इसका मतलब वो नरेटर जो हैं वो घबराए नहीं थे, वो चिंतित नहीं हुए थे. दे सेलिब्रेटेड देयर न्यू ईयर ऑन द शिप. उन्होंने अपना जो नया साल था वो भी शिप पर ही सेलिब्रेट, यानी कि मनाया था, सेलिब्रेट किया था. अब उसके बाद क्या हुआ? After that the weather became more unfriendly. देखो friendly का मतलब होता है जो हमारे लिए, हमारा friend हो, हमारा दोस्त हो, हमारे लिए अच्छा हो. लेकिन unfriendly का मतलब जो बिल्कुल उसके opposite है, मतलब दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रहा है. तो यहाँ पर weather के लिए, मतलब मौसम के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि जो मौसम है वो बिल्कुल ही विपरीत हो चुका था, वो बिल्कुल ही उनके खिलाफ जा रहा था. इट बिकेम डेंजरस, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया. अ हैवी एक्सप्लोजन शूक देयर शिप ट्वाइस. देखो सॉरी, अ ह्यूज एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, मतलब एक तरीके से जैसे हम कहते हैं ना कि बम फटता है तो विस्फोट होता है, तो एक तरीके से एक बहुत ही बड़ी हलचल हुई, बहुत ही बड़ा विस्फोट सा हुआ जिसने उनकी शिप को हिलाकर रख दिया. और ऐसा ट्वाइस यानी कि दो बार हुआ. दे गॉट इंजर्ड, उन्हें चोट लगी. वाटर स्टार्टेड कमिंग इन, जो पानी था वो उनकी शिप के अंदर आना शुरू हो गया. बट देयर डिटर्मिनेशन वॉज स्ट्रांग, लेकिन उनका निश्चय पक्का था, पूरा था, वो दृढ़ निश्चयी थे. द एंटायर नाइट वॉज स्पेंट इन, अब जो उनकी पूरी रात थी, क्योंकि पानी अंदर घुस आया था, शिप को धक्का लगा था, बहुत डैमेज हो चुका था, तो जो उनकी सारी रात थी वो किस तरह से गुजरी? वो पंपिंग करते हुए, मतलब पानी को पंप के जरिए बाहर निकालने के लिए, स्टीयरिंग यानी कि जिस तरीके से हम गाड़ी का स्टीयरिंग बोलते हैं ना हम, तो स्टीयरिंग होता है, मतलब जो गाड़ी की दिशा तय करता है. तो इसी तरीके से शिप को चलाने के लिए भी एक सर्कुलर शेप का यंत्र होता है जो दिशा और गति दोनों तय करता होता है. तो इसलिए उनकी सारी रात पंपिंग करने में, स्टीयरिंग करने में, रिपेयरिंग यानी कि मुरम्मत करने में, और सेंडिंग रेडियो सिग्नल्स यानी कि रेडियो तरंगों के जरिए सिग्नल्स भेजने में निकली, ताकि कोई आइडेंटिफाई कर ले कि वो इस तरीके से फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने के लिए कोई आ जाए. बोथ दी चिल्ड्रन वर ऑल्सो इंजर्ड. अब देखो, आपने अगर स्टोरी में ध्यान दिया हो तो गॉर्डन कुक की फैमिली भी साथ में थी, और उनकी फैमिली में अगर आपने लेसन पढ़ा हो तो उनकी वाइफ थी और उनके दो बच्चे थे, ठीक है. तो उनके जो दोनों बच्चे थे उन्हें भी चोट लगी थी, वो भी इंजर्ड हुए थे. तो देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या हुआ. नेक्स्ट, बट दे सेड दैट they were not afraid to die if they could all be together. यही हमारे लेसन का टाइटल है कि उन बच्चों ने कहा था, उन बच्चों ने ये साहस दिखाया था और उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था कि अगर वो सब एक साथ हैं, एकजुट हैं, तो उन्हें मरने से भी डर नहीं लगता. तो दिस एनकरेज्ड द नरेटर टू हैंडल द सिचुएशन मोर वाइजली. ये जो बात थी जो उन्हें उनके बच्चों ने कही, इस बात से उन्हें उत्साह मिला और उन्होंने और भी समझदारी से उस सिचुएशन को, जो सिचुएशन में वो फंसे हुए थे, जो परिस्थिति में वो फंसे हुए थे, उस परिस्थिति को उन्होंने संभाला, हैंडल किया. फाइनली अंत में दे रीच एन आईलैंड, वो एक टापू पर पहुंच गए एंड वर सेव्ड, और उनका बचाव हो गया, मतलब उन्होंने अपनी जान बचा ली. दस इसलिए द स्टोरी डिपिक्ट्स, ये जो कहानी है वो हमें क्या बतला रही है, दैट ऑप्टिमिज्म और पैसिमिज्म दो वर्ड्स हैं, ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के. तो ऑप्टिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, तो यहां पर है, या भगवान में भरोसा रखना. तो ऑप्टिमिज्म, फेथ एंड करेज, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, भगवान में भरोसा रखना, और साहस, अपने अंदर साहस, कभी ना मरने देना, साहस रखना,
कैन हेल्प इन अचीविंग सक्सेस, मतलब आपको सफलता हासिल करने में मदद करती हैं। ये तीनों चीजें आपको कभी भी हारने नहीं देती। तो हमें क्या होना चाहिए, हमें हमेशा फुल डिटरमाइंड होना चाहिए, मतलब हमें हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए और कामयाबी यानी कि सफलता हमेशा हमारे कदम चूमेगी। तो आई थिंक आई होप कि आपको ये लेसन की समरी समझ में भी आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।